हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अगेन। तो मैं आज जा रहा हूँ जयपुर और अभी हम हाईवे में हैं। पीछे देख सकते हो हाईवे किंग। ब्रेक लिया है खाना खाने के लिए और ये हमारी कैब है। एक कैब और आ रही है जिसमें शुभजीत भाई और सूरज भैया और अभिषेक है, कीबोर्ड ड्रमर एंड बेसिस्ट। बाकी अक्षय और मैं इस कैब से आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जयपुर। आज हमारा वहाँ पे एक शो है, इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे आए हैं तो इस आउटलेट से कुछ ले भी लेते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो। बाकी भूख तो लगी रही है तो खाना तो खाएंगे। तो अभी बने रहना व्लॉग पे, ठीक है। और कल भी मेरा शो था पियानो मैन में, पियानो मैन जैज़, ये अपना जो मालवे नगर पे है। तो बहुत अच्छा गिग गया था। मैं उसके कुछ शॉट्स वगैरह अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगा। मैं कल का व्लॉग नहीं बना पाया बट मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे को उसकी कुछ वीडियोस मिल सके तो मैं या तो इस व्लॉग में ही या नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए अभी व्लॉग पे बने रहेंगे और आगे दिखाता रहता हूँ। तो ये आ गए हमारे बाकी बैंड मेट्स भी। ये आ गए हमारे बाकी बैंड मेट्स। कैसे? तो गाइस ये मेरा आ गया खाना, पराठा, चाय और दाल मखनी। और ये थोड़े पकोड़े मंगाए हैं, अभी भाई लोग आ रहे हैं तो साथ में पकोड़े खाएंगे। भाई एक और मेरे शूज़ के कलेक्शन में एक और आ गया है, रेड टेप का शूज़। और एक इस बारी वाइट जीन्स भी ले ली मैंने। भाई देखना शुरू करते यार। तो भाई अभी दोबारा से हम लोग इस आउटलेट पर रुके थे तो यहाँ से मैंने एक शूज़ ले लिया है, ऐसा वाइट वाला जो आज गिग में मैं पहनूंगा और वाइट जीन्स के साथ। और देन उसके ऊपर देखते हैं क्या पहन के, ऊपर ब्लेजर वगैरह पहन के कैसा लगता है। तो बस ये चीज़ें ले ली हैं, अब निकलते हैं आगे। बाकी भाई लोग भी कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अपने होटल पे आ चुके थे, डबल ट्री बाय हिल्टन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना साउंड चेक करवाने के लिए। साउंड चेक अपना कंप्लीट करके वापस अपने रूम पे आएंगे, फ्रेशन अप होके वापस फिर शो के लिए एज़ यूजुअल जो होता है। और ये हमारा स्टे है डबल ट्री बाय हिल्टन और हमारा जो शो होगा वो होगा फेयरमाउंट होटल पे। तो अभी हम जा रहे हैं फेयरमाउंट होटल, तो अब बैठते हैं और निकलते हैं। चलिए भैया जी, हमारे होटल से बाहर निकलते हैं, सामने लीला पैलेस से। हमने यहाँ पे भी शो किया था, इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था अगर आप लोगों ने देखा हो। बट यहाँ से लाइक 4-5 किलोमीटर्स दूर हमारा फेयरमाउंट होटल है जहाँ हम लोग हमारा आज का शो है। तो चल रहे हैं अभी आगे। ये आगे गए हम लोग फेयरमाउंट जयपुर। और बहुत पहले मैंने फेयरमाउंट पे शो किया है, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो मैं दिखाऊंगा गाइस आपको अंदर से कैसा दिखता है फेयरमाउंट। एंट्रेंस फेयरमाउंट होटल का। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उतर रहे हैं जो स्टेज पे जाएंगे, गिटार, प्रोसेसर, कीबोर्ड, सब कुछ। चलते हैं अब अंदर। ये देखिए गाइस अंदर से, वाओ। थैंक यू। बहुत ही क्लासी प्रॉपर्टी है गाइस, एकदम लाइक पुराने टाइम का फील, पूरा फील है। वाओ, ये है स्टेज, ये है बेस एम्प हमारा और ये है कीबोर्ड शुभ भाई का। टेक राइडर में हमने मॉन्टेज मंगवाया था, एक कीज़ अपना लगाएंगे शुभ भाई। और सामने है ड्रम किट और उधर मेरा एम्प रख रखा है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना सेटअप लगाऊंगा। Yeah.
तो गाइस अभी हमारा साउंड चेक चल रहा है, हमारा साउंड चेक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मेरा गिटार हो चुका है और ड्रम्स भी हो चुका है, उधर कीज बेस सब कुछ, वोकल्स अभी हो रहे हैं और ये सामने पूरा क्राउड बैठेगा, कॉर्पोरेट इवेंट है हमारा। तो बस सब कुछ हो चुका है, साउंड चेक भी डन है ऑलमोस्ट हमारा। मैं सब कुछ एकदम साउंड चेक का नहीं दिखा पा रहा गाइस, क्योंकि मतलब पहले काम ज़रूरी है और मुश्किल हो जाता है साथ में ना ये सारी चीज़ें करना। बट आई ट्राई कि मैं थोड़ा हमारा जो भी शो का थोड़ा बहुत होगा वो मैं आपको दिखा सकूँ। चले गाइस, हमारा साउंड चेक हो चुका है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी पीछे कर दिए मैंने, भी अपना पैक करके अपना स्टेज के पीछे ही रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट सारा। ये देखो ऐसे रखा हुआ है मैंने अपना, और उधर कीबोर्ड भी पीछे कर दिया है क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ और परफॉर्मेंस भी होनी है, डांस वगैरह भी होना है और कॉर्पोरेट इवेंट है तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो साउंड चेक हो गया हमारा, अब जाएंगे हम रूम पर, फ्रेश होंगे, कुछ खाएँगे पियेंगे और फिर वापस आके फिर धमाल मचाएंगे। चलिए गाइस, हम आ गए अपना साउंड चेक करके वापस अपने होटल पे, अब जा रहे हैं अपने रूम पे। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, और मैंने अपना रूम टूर नहीं कराया था तो वो भी करा देता हूँ, जस्ट वेट। तो मेरा रूम है 228। तो ये है मेरा रूम, ये यहाँ पे वॉशरूम है, दिस इज द वॉशरूम। यहाँ पे सारे जो मैंने आज कपड़े खरीदे थे वो है, सूटकेस, अभी कॉफ़ी पी थी हमने आते ही। तो यहाँ पे शुभ भाई सो रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पे मैं सो रहा हूँ, और यहीं से ही कनेक्टेड है वैसे अक्षय का रूम, बट ये अभी डोर लॉक्ड है अंदर से। तो ये है हमारा रूम, और यहाँ से बाहर दिखता है कुछ ऐसे सामने नीला पैलेस। तो ये है हमारा रूम, और अब हम होंगे फ्रेश और उसके बाद निकाल लगेगा, अच्छा देन उसके बाद निकलेंगे हम अपने शो के लिए। और मैं पी लूँगा कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और वो पी के फ्रेश फ्रेश होंगे। और फिर अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 1.5 आवर मेरे पास है, तो मैं बहुत आराम से अपनी कमर सीधी कर सकता हूँ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा साउंड चेक करके आके, साउंड भी बहुत अच्छा मिक्स हुआ आज का हमारा, और कल का भी बहुत अच्छा शो गया था हमारा, पियानो मैन, जैस पियानो मैन में था जैसे मैंने शुरू में बताया था, और उसकी कुछ वीडियोज़ भी मैं डाल दूंगा आगे। और आज का भी कोशिश करूँगा कि थोड़े बहुत मैं क्लिप्स डाल सकूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि शो जब हम स्टेज में होते हैं तब पूरा फोकस सिर्फ परफॉर्म करने पे और क्राउड को लाइक एंजॉय कराने में ही होता है, और अपनी प्लेइंग में और कुछ चीज़ गलत ना प्ले हो उसी में ज़्यादा फोकस रहता है माइंड हमारा, तो व्लॉग करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं फ़ोन को कहीं सेट भी करता हूँ तो इतना लाउड नॉइज़ होता है कि वो फ़ोन अच्छा क्वालिटी का साउंड कैप्चर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए भी मैं कुछ करूँगा धीरे धीरे, थोड़ा सेटअप बनाऊंगा मैं अपना, तो बट अब तक के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही अच्छा मैं करूंगा लाइव स्टेज के लिए कि मेरा व्लॉग्स में जो है साउंड अच्छा ही आए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फ्रेश फ्रेश होता हूँ, फिर निकलूँगा, तब मैं दिखाऊँगा वहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है। ठीक है, चलिए। पूरा फैल चुका है कपड़ों से, और अभी थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहे थे थोड़ा बहुत, और हमारा फूड भी आ चुका है। और सॉरी अभी अक्षय भाई को दिखा नहीं सकता मैं और दो सैंडविच और पिज्ज़ा, सारे बंदे अपने रेडी हो चुके हैं। ये हमारा ड्रमर अभिषेक फुल ऑन रेडी हो चुका है भाई, आज दोनों भाई ने शूज़ खरीदे हैं सेम ही शूज़, बट इसका सोल का कलर थोड़ा सा अलग है, मेरा थोड़ा मेरा वाइट है प्योर, कॉपी कर दी दोनों ने सेम शूज़ ले लिए,
और ये मैं रेडी हो गया हूँ। आज मैंने ये भी वाइट पैंट ली, वाइट जीन्स, वाइट शूज, वाइट टी शर्ट एंड दिस इज माई ब्लेजर। तो कुछ इस तरह की मैं आज में, और शो भाई भी रेडी हो चुके हैं, अक्षय भाई। हाँ तो ये शो भाई रेडी हो चुके हैं। चलो जी, यस गाइस, लेट्स डू टोटल धमाल दिस कन्वेंशन वेयर देयर आर नो क्लाइंट्स टारगेट्स एंड एस्केलेशंस का कोई टेंशन। तो ये है हमारा मिक्सर जहाँ से हमारा साउंड ऑपरेट हो रहा है, और ऑपरेटर ये है। इनसे पहले हम लोग स्टेज में चढ़ेंगे और फिर दिल्ली